गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राम राजेंद्र कॉलेज टू पीतमपुर की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पहले क्लास में डिस्कस किया था जैव विविधता क्षति के बारे में, मतलब किस तरह से जैव विविधता को नुकसान होता है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जैव विविधता संरक्षण के बारे में, किस तरह से हम जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं। तो चलिए, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका नाम है और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है जैव विविधता संरक्षण। तो किस तरह से जैव विविधता संरक्षण किया जा सकता है या किया जाता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जैव विविधता संरक्षण है क्या। तो जैव विविधता संरक्षण से हमारा मतलब है, देखिए, जैव विविधता संरक्षण का तात्पर्य जैव विविधता की वैज्ञानिक व्यवस्था एवं उसको उन्नत करने से है। वन्य जीवों तथा पादपों को संरक्षित करने का उद्देश्य निम्नवत है। क्या उद्देश्य है इसके? नंबर फर्स्ट है प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना। नंबर सेकेंड है संकटापन्न दुर्लभ एवं सुभेद्य जातियों को हानि पहुंचाने वाले कारकों से सुरक्षा करना। नंबर थर्ड, पादपों एवं जंतुओं के जीन पूल को सुरक्षित रखना। अब हम बात करेंगे जैव विविधता संरक्षण की प्रमुख विधियां।
तो जैव वित्त संरक्षण की दो प्रमुख विधियां हैं, इसमें पहला है इनसिटू, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्वस्थाने, और दूसरा है एक्सिटू, जिसे कहते हैं वाह्य स्थाने। तो अब हम पहले देखेंगे इन सीटू को, इन सीटू या स्वस्थाने, ये कौन सा संरक्षण होता है, किसे कहते हैं। देखिए वह संरक्षण जिसमें जैव विविधता को प्राकृतिक आवास में अथवा मानव निर्मित पर्यावरण तंत्र में ही संरक्षित किया जाता है, तो स्वस्थाने संरक्षण कहलाता है। आगे बात करेंगे एक सीटू के बारे में, मतलब कि वाह्य स्थाने, इस प्रकार के संरक्षण में जीवों को उसके प्राकृतिक आवास से बाहर मानव निर्मित आवास में रखा जाता है, तो इसे बाह्य स्थाने संरक्षण कहते हैं। तो इसे बाह्य स्थाने संरक्षण कहते हैं। इसके अंतर्गत जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन्य जीव सफारी द्वारा पादपों व
जीवों का संरक्षण किया जा रहा है आज कई जंतु जंगल में खत्म हो गए परंतु जंतु उद्यानों में सुरक्षित व संरक्षित हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जैव विविधता संरक्षण किस तरह से किया जाता है या उद्देश्य क्या है इसके, दोनों टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जैव विविधता संरक्षण है क्या रियल में, सबसे पहले हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो जैव विविधता संरक्षण है, इसका तात्पर्य जैव विविधता की वैज्ञानिक व्यवस्था और उसको उन्नत बनाने से है। मतलब कि वैज्ञानिक विधि से किस तरह से हम इसको व्यवस्थित करेंगे और किस तरह से इसको हम उन्नत बनाएंगे। उन्नत का मतलब कि अच्छी अच्छी नई नई प्रजातियां डेवलप करेंगे, उनका विकास करेंगे। आगे वन्य जीव तथा पादपों को संरक्षित करने का उद्देश्य निम्नवत है। पहला जो उद्देश्य है वह प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना। देखिए, जितनी बेहतरीन जैव विविधता रहेगी उतना ही बेहतरीन प्राकृतिक संतुलन भी बनेगा। अगर जैव विविधता अच्छी नहीं है तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। जैसे किसी भी प्रजाति की अगर अधिकता होगी तो फिर जाहिर सी बात है कि प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। जैसे सपोज दैट अभी आप देख रहे होंगे इस टाइम कि आपको सड़कों पे घूमते हुए आवारा जानवर मिल जाएंगे, जिसे सांड कहते हैं, गाय के बछड़े, छोटे साइज के, बड़े साइज के, मतलब छोटे बड़े बहुत से एक झुंड में चलते हुए आपको सड़क पे मिल जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि इनको चीन के बॉर्डर पर ही भेज दिया जाए। तो ये क्या कर रहे हैं, संतुलन बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। मौके पे क्या हो रहा है कि जैसे इनकी संख्या जब ज्यादा हो गई है तो इससे किसानों का बड़ा नुकसान हो रहा है। आ रहे हैं, पूरा धान ही साफ कर जा रहे हैं, मतलब जो मौके पे पौध लगी हुई है काफी विकसित हो रही है। तो अब इस टाइम पता चला 10-20 इकट्ठे झुंड में आ जाते हैं और रात भर में पूरा खेत साफ करके निकल जाते हैं। अब इससे क्या होगा, किसान का बैलेंस बिगड़ेगा। किसान का बैलेंस बिगड़ेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। तो इस तरह से प्राकृतिक संतुलन को मेंटेन रखने के लिए जैव विविधता जरूरी है। संकटापन्न दुर्लभ एवं सुभेद्य जातियों को हानि पहुंचाने वाले कारकों से सुरक्षा करना। मतलब जो जातियां संकटापन्न है, मतलब संकट की स्थिति में है कि बहुत कम प्रजातियां बची हैं या विलुप्त तो होने वाली हैं, दुर्लभ है कि मिलती ही नहीं है, हमको मिलने वाली ही नहीं है, तो ऐसी जातियों को हानि पहुंचाने वाले कारकों से सुरक्षा करने के उद्देश्य से जैव विविधता संरक्षण अपनाया जाता है। मतलब जो संकटापन्न जातियां, उनको सुरक्षा कैसे दी जाए, उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए, इस बात पर विचार करने के लिए हमने ये व्यवस्था बनाई है। पादपों एवं जंतुओं के जीन पूल को सुरक्षित रखना, मतलब कि ऐसे जीव जो अच्छी प्रजाति के हैं उनके जीन पूल को, उनके जीन्स को निकाल के कृत्रिम जीन पूलों में सुरक्षित रखा जाता है ताकि उसी प्रकार के जीवों का फिर से विकास किया जा सके, विकास हो सके। अब इनको संरक्षित कैसे करते हैं, कौन सी विधियां हैं इसकी, देखिए दो विधियां हैं, इनसीटू एंड एक्ससीटू, जिसे हम स्वस्थाने और वायस्थाने बोलते हैं। तो स्वा मतलब अपने स्थान पर और वाय मतलब बाहरी वातावरण में। तो स्वस्थाने सबसे पहले हम देखेंगे, नंबर फर्स्ट आपका स्वस्थाने
स्थान में कह रहा है कि वह संरक्षण जिसमें जैव विविधता को प्राकृतिक आवास में अथवा मानव निर्मित पर्यावरण तंत्र में ही संरक्षित किया जाता है उसे स्वस्थाने कहते हैं। तो अब देखो यहाँ पे प्राकृतिक आवास की भी बात कर रहे हैं और मानव निर्मित पर्यावरण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण तंत्र। तो अब प्राकृतिक आवास मतलब कि जैसे जीव का जो आवास है वहीं पे वो रहे तो वो उसका इंसिटू कहलाएगा, इंसिटू संरक्षण, इंसिटू कंजर्वेशन बोला जाएगा उसको। और फिर मानव निर्मित पर्यावरण की मतलब जैसे हमने देख लिया है कि इतना एरिया आपका जंगल का है और यहाँ पे बहुत से जंगली जीव निवास करते हैं, मतलब यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज्यादा है। तो हमने क्या किया या हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, मतलब मनुष्य ने क्या किया, उसने इसके चारों ओर बैरियर लगा दिया कि इस एरिए के अंदर किसी का भी प्रवेश वर्जित है, मतलब कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। तो जब कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है उस वातावरण को, उस पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वो जीव स्वतंत्र रूप से अपने ही आवास में विचरण करेंगे, अपने ही आवास में रहेंगे। तो ये कहलाएगा उनका इनसीटू। अब बात करते हैं एक्सीटू की, मतलब कि बाह्य स्थान है कि इस प्रकार के संरक्षण में जीवों को उसके प्राकृतिक आवास से बाहर, मतलब प्राकृतिक आवास से बाहर निकाल लो और मानव निर्मित आवास में रखा जाता है तो इसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। इसके अंतर्गत जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान व वन्य जीव सफारी द्वारा पादपों व जीवों का संरक्षण किया जा रहा है। आजकल बहुत से जंतु जंगल में खत्म हो गए हैं लेकिन इन वनस्पति उद्यानों में, जंतु उद्यानों में वो आज भी आपको सुरक्षित और संरक्षित मिलेंगे। जैसे हमने क्या किया कि शेर का तो आवास है जंगल, लेकिन हमने क्या किया कि उसको निकाल लिया वहां से और चिड़ियाघर में संरक्षित कर दिया, जू में रख दिया। तो ये जू क्या था, मानव निर्मित आवास था, मनुष्य ने बनाया उसको और उसी में हमने शेर को रख दिया। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ये बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाएगा, मीन्स एक्सीटू कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा जैव विविधता संरक्षित करने का उद्देश्य और विधियां। चलिए एक बार फिर से हम जल्दी जल्दी रिपीट कर लेते हैं कि जैव विविधता संरक्षण है क्या। तो जैव विविधता संरक्षण का तात्पर्य हमारा है जैव विविधता की वैज्ञानिक व्यवस्था और उसको उन्नत बनाने से। फिर जैव विविधता को संरक्षित करने का उद्देश्य क्या है, फर्स्ट जो हमारा एम होता है वो है प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना, सेकंड है संकटापन्न दुर्लभ और समृद्ध जातियों को हानि पहुंचाने वाले कारकों से सुरक्षा प्रदान करना, और थर्ड पॉइंट हमारा है पादपों एवं जंतुओं के जीन पूलों को सुरक्षित रखना। और बात करते हैं कि जैव विविधता संरक्षण के प्रमुख विधियों की, तो प्रमुख विधियां दो विधियां है इसकी, इंसिटू एंड एक्सीटू। तो इंसिटू में क्या होता है, इंसिटू में वह संरक्षण इसमें जैव विविधता को प्राकृतिक आवास में अथवा मानव निर्मित पर्यावरण तंत्र में ही संरक्षित कर दिया जाता है तो उसे हम स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। एक्सीटू की बात करें तो एक्सीटू कह रहा है कि इस प्रकार के संरक्षण में जीवों को उसके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर मानव निर्मित आवास में रखा जाता है तो इसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। इसके अंतर्गत जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान व वन्य जीव सफारी द्वारा पादपों और जंतुओं का संरक्षण किया जा रहा है। बहुत से जीव जंगल में तो विलुप्त हो गए हैं लेकिन जंतु वनस्पति उद्यान या कह सकते हैं वन्य जीव सफारी में इनको सुरक्षित और संरक्षित रखा गया है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक हमारा जैव विविधता संरक्षण को लेकर। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप फंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नोट्स भी तैयार करते रहिए, साथ साथ होमवर्क भी करते रहिए। ओके।